तो गाइस हम लोग मतलब सोच रहे कि हम लोग एक थीम बनाएंगे और मैंने सोचा कि हम लोग गोल्डन और ब्लैक वाले बलून की थीम बनाएंगे। अच्छा हाँ फ्रेंड, जैसे हम लोग ना सुबह गए थे वहाँ फार्मर्स मार्केट, तो उस टाइम पर तो ठंड अच्छी खासी लगती थी, जैसे आपने देखा व्लॉग में। बट अभी हम लोग जैसे ना आए ना, हाँ अब कम है ठंड, अब दोपहर हो गई ना। यस, और ना सन भी बिल्कुल एकदम से अपने चरम पे है, हवा भी कम, तो वो भी उसकी भी जो अच्छी खासी तपिश आ रही है। तो फटाफट पहुँचते हैं अभी किंग्सवे मॉल, बस आने वाली है। हम नए वाले जो यहाँ पे स्टॉप है उस पर खड़े हुए हैं अभी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ बस का वेट कर ही रहे थे, मैंने एक बार दोबारा चेक किया कि इतनी देर क्यों हो रही है, बस क्यों नहीं आ रही है अभी। तो बस को अभी भी यहाँ से ना 15 मिनट्स और दिखा रहा है अभी आने में इसी वाले स्टॉप पर। तो यहाँ बिल्कुल पीछे की साइड में ही मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पर, जो NIT वाली साइड में जाती है मेट्रो, उस वाले का। तो हम लोग फटाफट इसको बोर्ड करते हैं, वो आने वाली है उससे पहले ही। और सेम जो टिकट चल जाएगा उसमें, हाँ चल जाएगा, ये सेम टिकट चल जाएगा, टिकट इसको वैलिडेट कराना पड़ेगा, वो छोटा सा डब्बा लगा रहता है ना उसके अंदर। चलो फटाफट चलते हैं, मेट्रो से निकलते हैं फिर हम लोग, और अब की बार भी वहीं से एंटर करेंगे जो हम लोग हडसन बे वाली साइड से गए थे ना, उसी वाली साइड से हम लोग को नजदीक पड़ेगा। स्टेशन आना मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना खाली खाली से रहता है, और जो बाहर का रहता है बस का वो थोड़ा ऐसा रहता है कि वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कुछ है ही नहीं। लाइटिंग कितनी प्यारी लगा रखी है यार इन्होंने तो यहाँ पर, है ना, और पूरी लाइन से ही है वहाँ से यहाँ तक। वाह नाइस, यहाँ से जाएंगे नीचे। अरे बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हम लोग, एकदम से बस आने ही वाली है अभी, हार्डली मतलब सेकंड्स में टाइम होगा इसका। देखो आवाज भी आ गई, आ रही है अभी। नेक्स्ट ट्रेन नेक्स्ट, प्लीज स्टैंड बैक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एज। आने वाली है भाई, बिल्कुल सही टाइम आ गए, टाइम बचा लिया हम लोगों ने 15-20 मिनट। हाँ वीकेंड है, एक ही डब्बा मिलेगा भाई यहाँ तो। फ्रेंड्स, आज भी हम लोग हडसन बे वाली साइड से ही एंटर किए, जैसे आप लोगों ने देखा कि मेट्रो की साइड से आए थे हम लोग। तो पिछली बार का जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने हडसन बे में रेट देखे थे, आज भाई हम लोग नहीं रुके तो सीधे रियल है, कोई फायदा नहीं है भाई वहाँ रुको, देखो हमारे काम की कोई चीज़ है क्योंकि रेट इतना ज़्यादा है। चीज़ें अट्रैक्ट तो बहुत करी थी अच्छी अच्छी, बट रेट भी हम दिमाग में आ रहा था इसलिए रुके नहीं, हम सीधे निकल रहे। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा हडसन बे वाले शोरूम में। तो अभी हम लोग चलते हैं सामने डोलारामा और वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि हमारे बच्चे के बर्थडे के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। चलो फ्रेंड्स, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने वो वाला सेक्शन देखा था खाली कि यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, बट आज जैसे हम लोग यहाँ पर आए, देखा यार यहाँ पे तो अच्छी खासी सेल चल रही है। ये देखो $15 में 3 आइटम है ना, $7 का एक ईच, और सामने उस वाली जगह में भी मल्टीपल चीज़ें लगी हुई हैं, वहाँ पर अलग अलग काइंड ऑफ शॉप हैं वहाँ पर, तो कुछ भी ले सकते हैं, देखेंगे वहाँ चल करके। अभी तो भाई जो चीज़ ज़रूरी है बस वही लेना, ऐसे नहीं कि सेल लग रही तो भाई भर लो यहाँ से, ठीक है। काफ़ी आइटम है वैसे, है ना भाई, $15 में 3 का तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझको तो यहाँ। फ्रेंड्स, ये जो ओपन वाला स्पेस था ये माला मार्केट के लिए था, जो एक काइंड ऑफ ओपन मार्केट है यहाँ पर, और ये सितंबर से चल रही है, अभी अक्टूबर तक जाएगी। अरे ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, हाँ और क्या, और काफी अच्छी वैरायटी है यहाँ तो, है ना। कितने, $40 की बता, $40 की एक है ये, हालांकि अभी तो इसका सीजन निकल गया, विंटर में तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। मार्केट से तो कुछ नहीं लिया हम लोगों ने, अभी आ गए डोलारामा, यहाँ एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पोलो के बर्थडे के लिए क्या क्या चीज़ मिलती है हम लोग का। ड्रामा की ना एक खास बात है, यहाँ पर $1 से स्टार्ट करके सामान है, और घर के जो डेली रूटीन वाले जो सामान है ना, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी देखो यहाँ जूने कितने सारे हैं भाई, मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते कोई कि यहाँ इतने सारे एक साथ होंगे। देखिए और ये भी है, इसमें देखो ये भर लेते हैं ना, इसमें लिक्विड, अच्छा इसको ऐसे पुश कर देते हैं फिर इसमें से बर्तन साफ करो। ओके ओके ओके, तो ये ले लिया। क्या है इसमें, क्या है, स्क्रब है, बर्तन साफ करने वाले। अच्छा क्योंकि अगर सॉफ्ट वाले लो ना तो उससे वैसे तो बर्तन साफ रहते हैं, ठीक है, पर जैसे चाय दान वगैरह साफ करना हो थोड़ा स्क्रब जैसा चाहिए हार्ड वाला। ये देखो एक ही ले लेते हैं, इसमें तो बहुत सारे होंगे। हाँ कितने का है, $1.25 का है, $1.25 का है ये। हाँ कितने इसमें, 10, बहुत सही भाई, ये तो बहुत बढ़िया। मुझे कनाडा के अंदर इतना सस्ते सामान मिलने की उम्मीद थी नहीं वैसे, है ना। अरे ये भी लेना है, पेपर टॉवल है ना, ये मतलब बहुत बड़ा साइज का है, और जनरली जैसे हम लोग अपने किचन में रहते हैं तो वहाँ पर कुछ अगर मैं साफ करना है टॉवल के टाइप का, हाँ डाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है उसमें, अच्छा यूज है, साफ सफाई के लिए भी अच्छा ही है, टेबल वगैरह साफ करनी है उसके लिए भी ठीक। वाला सेक्शन है यहाँ पे डिशवॉशर वाला, ठीक है ना, हाँ तो ये लिक्विड, तो ये ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं हम लोग, इससे वाला ले जाते हैं हर बार, ऑरेंज वाला ही। मुझे इससे पहचान होती है, एक बार मैं गलती से ना हाथ धोने वाला ले गया,
ये ले जाना था मुझे डिशवॉश कोई वाला बट जिसमें हैंड वॉश भी रहते हैं और वो बर्तन भी साफ हो जाते हैं हाँ। वो डबल डबल रहता है तो इन्होंने सारे दे रखे हैं कि किसी को भाई कोई से ले जाना है क्योंकि भी काफी सारी वैरायटी है ठीक है हाँ। और देखो ये नीचे ये रहा ये वाले रखे हैं जनरली हम लोग मतलब ये देखते हैं ये ले लेते हैं चलो ठीक है। तभी हम लोग ना डोलारामा में जो हैलोवीन वाला सेक्शन है उसके अंदर है और भाई कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है इन्होंने ये देखो पम्पकिन हाँ और भाई क्या खतरनाक डरावने किस्म के लगा रखे है भाई इन्होंने तो पूरी डेकोरेशन है? करते हैं ये घर के बाहर भी करते हाँ, हैं मतलब फुल देखिए भाई मतलब कार के ऊपर बिठा रखे हैं भूत ओए होए कितना खतरनाक लग रहा है भाई देख के पेड़ लग रहा था तो भूत लटकाए रखते हैं और कप भी देखो अच्छा ले यार भाई मतलब कंकाल बना रखा है पूरा अलग ही मतलब इनका कुछ वो है यार रीति रिवाज इनका ना हैलोवीन सेलिब्रेट करने का देखिए ये ना ये जो सारे है ना पेड़ों पर लटका पूरी आइल भरी पड़ी है एसी से ये जो है ना ये जो बाहर इनके घरों के बाहर पेड़ लगाए रखता है ना उन पर लटकाए रखता है अच्छा और लाइट इनके साथ फ्रेंड्स ये ड्रेस है यहाँ पे हैलोवीन की अब ये जो सीजन चलेगा ना इनका हैलोवीन वाला उसमें मतलब अलग अलग तरीके कॉम्पिटिशन सजावट अपने घर के सामने हाँ हाँ वो सारी चीजें होती हैं तो पूरी तैयारी कर रखी है डोलारामा ने तो इस चीज के लिए भाई ओ भाई साहब ये तो भाई पूरा एकदम से खतरनाक है एकदम से ये देखो हैं पकड़ लिया तुझको तो इसने डरा मत भी नहीं डर लगा इससे देख के तो भाई साहब एक से एक खतरनाक यहाँ तो इन्होंने यार जो भूत वाली फिल्म है ना भाई मतलब उसकी यादें ताजा हो गई यहाँ पे रात को देख लेना कोई एकदम अंधेरे में अरे भगवान डराएगी जी पोलो ने बताया कि उसके यहाँ पे ना स्कूल में क्या होता है बर्थडे के दिन बच्चे ना अपने लाते हैं स्कूल से भी है ना पोलो कि वो अपना कुछ मतलब देने के लिए तो ऐसे आप पोलू भी कह रहा है कि भाई वो भी लेके जाएगा अपने बर्थडे के दिन अपने क्लास में ना बच्चों को देगा वहाँ पे कुछ ना कुछ कैंडी वगैरह अपने बर्थडे के सेलिब्रेट करने के लिए तो हम यहाँ डोलारामा में कुछ सेक्शन में काफ़ी सारी कैंडी है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कुछ समझ में आती है तो यहाँ से लेते नहीं तो फिर बाद में हम वॉलमार्ट से भी उठा लेंगे ये वाली ले लो हाँ देख लो जो सही लगती है ना अपना वो उठा लो पीनट ना हो क्योंकि यहाँ पे पीनट अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर ठीक है वाली ले लो ओके बोलू देखो आप भी कौन कौन सी आपको लगता है सही रहेंगी ठीक है देख लो ऐसे ही कुछ और भी देख लो फ्रेंड्स पार्थ ने बताया कि ना इसके स्कूल में बच्चे छोटे मोटे गिफ्ट भी दे देते हैं तो इसको ये चीज़ समझ में आई है कि हम ना जो कैंडी के साथ में इस तरीके जो इसको इस बोल हैं ये भी दे देंगे तभी वही ले रहा है ये हम लोग बर्थडे के लिए कैंडल भी ले रहे हैं और जैसे ना पार्थ आपकी बार 8 कंप्लीट कर रहा है तो हम लोग 8 वाली भी ले रहे हैं और हम इसको तो मतलब यहाँ पे बुझाएंगे एक तरीके से और हम लोग 9 वाली भी ले रहे हैं हम 9 वाली को जलाएंगे फिर लास्ट तक कि जब तक तो जलती रहेगी तब तक 9 वाली जलाएंगे तो 2 ले रहे हैं हम लोग एंड फ्रेंड्स हम लोग को ना थोड़े से बैलून भी लेने हैं तो ये बैलून वाला सेक्शन है यहाँ पे काफी अलग अलग कलर के हैं तो गाइस हम लोग मतलब सोचे कि हम लोग एक थीम बनाएंगे और मैंने सोचा कि हम लोग गोल्डन और ब्लैक वाले बैलून की थीम बनाएंगे अच्छा हाँ तो उसमें मतलब वो थीम होती है ना फिर वो मस्त लगती है हम लोग सोचे इसका ही बनाएंगे ओके okay. तो बैलून तो ले ही रहे हो बैलून के साथ में ना बैलून को फुलाने वाला पंप भी ले लेना जो हमारे पास पहले था ना घर पे वो खराब हो गया ये वही वाला है ना जो हम पहले ले गए थे ठीक है चलो ये देखो ना पोलू ले रहा है यहाँ कैप और छोटी हम बोल रहे हैं इसको मार नहीं रहा है फिर भी भाई छोटी है ये दोस्त बड़ी है भी नहीं यहाँ पे हाँ देख लो अगर बड़ी मिलती है तो लेना नहीं तो रहने दो हाँ गाइस अभी मैं एक ये पिन जैसा लेना जो अपने क्लोथ पे लगाते हैं उससे फिर ये दिखता है कि इसका बर्थडे है ओहो क्या बात है एक मैंने ये ले लिया अरे पहले से रखा हुआ एक तो हमारे पास में पूरा लिखने का ठीक है वो ना बहुत लंबाई में रखता है ना हाँ बीच में लगेगा अच्छा लगेगा चलो ठीक है जैसे अभी पार्थ ने ना देखा आपने कि कैंडी भी ली है और उसने एक वो बॉल भी लिया है अपना एज ए टॉय देने के लिए अपने साथियों को तो वो कैसे देगा तो उसके लिए इसने बताया कि ऐसे ना स्कूल में बच्चे लेके आते हैं इस तरीके के जो अपने बैग लेके आते हैं तो इसी में रख लेते हैं जो भी सामान देना होता है और फिर अपना अपने साथियों को दे देते हैं वहाँ पे एक मैंने 3 ऐसे हाँ इसमें तो बहुत सारे हैं अच्छा तो एक काम करो ना इसमें अलग अलग कलर के ले लेना जो थोड़ा सा मतलब एक मिक्सअप सा लगेगा ठीक है काफ़ी सारे हैं यहाँ पे तो वैसे ले लेते हैं इनमें से तो फ्रेंड्स हमने ले लिए हैं बैग सामान वेरी गुड तो फ्रेंड डोलारामा से तो हमने सारी शॉपिंग कर ली है बहुत सारा सामान हो गया हम लोग के पास तो और पोलू के बर्थडे के लिए भी मतलब काफी सारी चीजें मिल गई जो हम लोग वहाँ से होते थे पार्टी
अभी वॉलमार्ट चलते हैं, जो थोड़ा सा हमारा वीकली ग्रोसरी वाला रह रहा है वो ले लेते हैं, और एक दो कैंडी और चाहिए पार्थ को तो वो वाली भी ले लेंगे वहाँ से। एंड फ्रेंड्स आज हम लोग मतलब ना जो डोलारामा में से सामान लेने के बाद में जो दूसरी वाली साइड से आए हैं, तो ये बिल्कुल इसमें नया वाला जो हम लोग के लिए एरिया है जो आज हम लोगों ने और एक्सप्लोर किया है इस किंग्स वे मॉल का। और हमें मतलब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हम ना कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ढूंढते जा रहे हैं बिल्कुल एकदम से। ये देखो ये वाली शॉप हम लोगों ने पहले कभी डिस्कवर नहीं की थी, लगे वगैरह की वो चीज़ हम लोगों ने पहली बार देखी है। अब आए हैं हम लोग जो अपनी रेगुलर वाली यहाँ पर जो साइड है ना, इस वाली साइड में, तो नॉर्मली हम लोग इसी में ज़्यादातर यहाँ पर अराउंड मतलब घूमते हैं, और पिछली बार उस वाली का हमको नहीं पता था, वो हमने आज ही देखी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट के अंदर, यहाँ पे देखते हैं पोलू के लिए। मीनाक्षी बोल रही है कि एक यहाँ से कोई ड्रेस ले लेते हैं, तो रिसेंटली हम लोग इसके लिए लेके गए थे जीन्स, तो उसके ऊपर की कोई चीज़ देखते हैं यहाँ पे मिलती है तो, और कोई इसके लिए यहाँ देखेंगे कोई अच्छा सा कोई टॉयज़ मिल जाएगा तो वो भी ले लेंगे फिर। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ वॉलमार्ट का ये यहाँ पे टॉयज़ वाला सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है ऐसी इस तरीके की ना, यहाँ पर चार पाँच आइल्स बना रखी हैं इन लोगों ने। आइल्स मतलब एक तरीके की रो होती हैं इनकी, ये देखो जैसे ये वो एक थी ना ऐसे, यहाँ पर डिफरेंट वाली होगी, इस तरीके की चार पाँच यहाँ पर रोज हैं। इसमें देखते हैं पोलू के लिए कोई अच्छा टॉय मिलता है तो वो लेकर रख लेते हैं, फिर इसको बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं यहाँ पर लेगो वाले सेक्शन में। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे से पीसीस होते हैं और उनको मतलब जोड़ करके जैसे इन लोग के ऊपर बना रखा है ना ये पिक्चर्स में, बिल्कुल वैसी शेप बन जाती है एकदम से। पोलू बता रहा है कि उसके स्कूल में भी इस तरह के लेगो सेट मिलते हैं और इनको कभी कभी फ्री टाइम में बोला जाता है कि भाई वो उसको प्रैक्टिस करें बनाने की, तो वही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कुछ इसको अच्छा लगता है तो ये वो ले लेगा अपने बर्थडे के एज ए गिफ्ट के लिए। तो ये कैंपिंग का एक लेगो सेट तो है, तो मैं ये ले रहा हूं। इसको टर्न करना पोलू, उस साइड दिखाओ जरा एक बार। यहाँ ये देखो गाइस, ये कैरावैन है एक काइंड ऑफ, इसके अंदर पूरा कैंपिंग का भी सिस्टम दिखा रखा है कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो पार्थ मतलब इसको बिल्ड कर सकता है लेगो सेट के थ्रू। ठीक है पोलू ले लो, एज ए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही रहेगा फिर, है ना। चलो बढ़िया, मुझे अपने लिए डियो लेना था तो मैं जनरली यही डब वाला लेके जाता हूँ, तो एक फटाफट ये भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये कैंडी का एक अलग से सेक्शन है, मुझे तो अच्छा लगा, 45 पीस हैं ये और लगभग $10 के मिल रहे हैं। जेली वाली है। हाँ पोलू बहुत पसंद करता है ऐसी जेली वाली चीज़ें ना, इसमें बनी रहती है सारी, ले लें फिर ये। हाँ यही सही है, है ना। तो बाकी जो चीज़ें ली हैं उनके साथ में ये चल जाएगा, अच्छा लगेगा बच्चों को भी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ले लेते हैं अपना फेवरेट ओट्स भी, और ये चीज़ हमारी मतलब डेली रूटीन में काम आती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो ये चीज़ हम ले जानी भूलते नहीं जैसे हमारे ख़त्म होने वाली होती है, तो फटाफट ले लेते हैं। इसका कीवी मिल रही है यहाँ पे $97 का एक पीस, तो मीनाक्षी कीवी ले रही है यहाँ से। कीवी जो लेके जाते हैं ना वो वाली बहुत पसंद है इसको, मीठी है ना, वरना बहुत खट्टी रहती है। हाँ और साथ में हमारे लिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग आज लेने वाले हैं ब्लूबेरी वाली पाए, हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं करी अपनी लाइफ में, हमारा फर्स्ट टाइम होगा हम लोग पाए लेंगे, और ये ब्लूबेरी वाली फ्लेवर की है तो चलो ये लेते हैं। वैसे चेरी वाली भी है यहाँ पे, आप यही वाली लेना हाँ, चाहते हम हो, हम लोगों ने ब्लूबेरी वाली चूज करी है पक्का। हाँ। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स वॉलमार्ट से तो हम लोग की शॉपिंग हो गई है, पोलू काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसको जो जो चीज जरूरी थी ना वो ऑलमोस्ट सारी मिल गई, हालांकि जो उसके लिए हम ड्रेस ढूंढ रहे थे वो आज हम लोग को नहीं मिल पाई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, एक वीकेंड बचा हुआ है हम लोग के पास में, तो उसमें आकर के वो चीज भी हम लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। बट मोस्टली जो मतलब स्कूल के लिए वो सोचा था वो, और अपने लिए गिफ्ट वगैरह वो सारी चीजें उसको मिल गई और काफी ज्यादा खुश है वो। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।